तो बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर कुछ बच्चे सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल जाते हुए दिखे। जहां नाव पर बच्चे और उसी स्कूल के शिक्षक नजर आए, एक एक करके ये सारे बच्चे पहले तो नाव पर बैठे और फिर नाव के सहारे स्कूल की ओर जाते दिखाई दिए। छात्र और शिक्षक एक ही नाव के सहारे नदी को पार कर रहे थे। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि लहरों के बीच 40 से 50 बच्चे नाव में सफर कर रहे थे और नाव में ही सबसे आगे बैठी शिक्षक वीडियो बना रही थी। डर किसको नहीं लगता, सबको डर लगता है। बच्चे को लेके मूल्यांकन के कारण बच्चे को लेके जा रहे हैं, आज भर लेके जाते हैं, फिर इसके बाद शाम में बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे और अब हम लोग एप्लीकेशन देंगे कि बच्चे का पठन पाठन बंद कर दिया जाए। वहां से एक और वीडियो सामने आया जो काफी हैरान कर देने वाला था। वहां एक मासूम बच्चा नाव चलाते देखा गया। ये नाव टीन से बनी थी और नाव पर कुछ बच्चे बैठे थे। जब ये नाव गंगा के रौद्र रूप के बीच चल रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बताया गया कि ये बच्चे लगातार 10 दिनों से ऐसे ही जान जोखिम में डालकर नाव पर सफर कर रहे हैं। दरअसल नदी पर पुल नहीं बने होने से उनका दूसरी जगहों से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के पास बस नाव का ही सहारा है। वहीं यहां के लोग पुल के लिए सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं, पर अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है।